नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तुलसी विवाह में कौन सी चीज़ें नहीं होती जिसके बिना हमें इसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता, तो आज मेरी वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा और मैं तुलसी विवाह की पूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। सो लिस्ट को स्टार्ट। प्रबोधिनी एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु चार माह की निद्रा के बाद जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी का विवाह कराया जाता है और इस विवाह को बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत में आवश्यक ही ध्यान रखें कि व्रत को जोड़े के साथ रखें, पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत रखें। ऐसे में व्रत करने का बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। इस व्रत का कोई खास नियम नहीं होता है, आराम से इस व्रत को फलाहार लेकर आप कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ की कोशिश जरूरी करें कि आप पति पत्नी दोनों साथ में व्रत रखें। जोड़े से व्रत रख के पूरे विधि विधान के साथ शाम को शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु के साथ माँ तुलसी का विवाह अवश्य कराएं। इस विवाह को कराने में कुछ चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। पहला चीज़ है, तुलसी विवाह कराते समय तुलसी के गमले को छत या आंगन में बीचों बीच रखें, कोने या किनारे में ना रखें, स्वच्छ स्थान पर रखें। दूसरा जो नियम है, तुलसी विवाह के समय तुलसी जी को लाल कलर की चुनरी अवश्य उड़ाएं। नॉर्मल डे में हम इनको लाल चुनरी नहीं उड़ाते, लेकिन उस दिन हम इनको लाल चुनरी जरूर उड़ाना चाहिए आप सबको। और सुहाग की पूरी सामग्री अवश्य ही इनको अर्पण करें माँ तुलसी को, इससे पूजा का पूरा फल मिलता है। हमें लाल चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और पूरी सुहाग की 16 सामग्री चढ़ानी चाहिए। और तीसरा नियम है, तुलसी विवाह के समय जब आप शालिग्राम की पूजा करें तो चावल न चढ़ाकर काली तिल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फल इसका मिलता है कि अगर आप चावल की जगह शालिग्राम को काली तिल चढ़ाते हैं। और इस दिन विवाह, चौथा जो नियम है, तो इस दिन विवाह के दिन जो आप मंडप बनाएं उसमें गन्ने का प्रयोग अवश्य ही करें। भगवान विष्णु के लिए विवाह के लिए मंडप जरूर बनाएं और मंडप में ही तुलसी का विवाह संपन्न कराएं और मंडप गमले का बनाएं। पांचवा जो है, हल्दी जो आप चढ़ाते हैं विवाह के समय, जो आप हल्दी यूज करते हैं उसको दूध में घोलकर, दूध में मिलाकर पूजा में यूज करें, इससे बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं ऐसा करने से, और माँ लक्ष्मी का भी पूर्ण फल मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसे ही फिर से नई जानकारी के साथ